बॉडी फिटनेस में आपका स्वागत है गाइस। यही नहीं, अभी और सुनिए, आज हम आए हैं पार्ट टू में और उन पांच से छह चीजों के बारे में बात करेंगे जो हम हेल्दी कंसिडर कर रहे हैं कि हमें जिम में एनर्जी प्रोवाइड करा रही होंगी या फिर हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है लेकिन वो बेनिफिशियल नहीं है। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। या फिर वो या तो कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है, हमारी पॉकेट में हार्म कर रही है, तो आपको दिखाता हूँ वो चीजों के बारे में एंड जितना हो सकेगा उनके बारे में आपको नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। चलिए चलते हैं। गाड़ी स्टार्ट कर। बढ़ते हैं अपनी पहली चीज की तरफ जो कि रहेगा हमारा प्री वर्कआउट ड्रिंक, जो कि मैं बेसिकली आज अभी दो तीन चीजें बताऊंगा वो रहेंगी। जिम में हम सोचते हैं कि एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, बट वो एनर्जी जो रहती है, कॉन्सेंट्रेशन जो रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ दो या तीन मिनट के लिए स्पाइक करता है। देखो कॉन्सेंट्रेशन का सीन क्या है, कितना आप अमाउंट ऑफ कैफीन बॉडी में डाल रहे हो। तो ये जो ड्रिंक्स है ना, सबसे पहले तो कॉस्ट की बात करूंगा, ये 110 से 150 की पड़ती है। एंड अगर नॉर्मल प्री वर्कआउट ड्रिंक अगर हम प्री वर्कआउट लेते हैं जो 1000 से 1500 की रेंज का आता है, उसका एक चम्मच 50 से 60 रुपए का पड़ता है, जिनके अंदर 300 mg कैफीन है। चलो मैं वो नहीं कह रहा कि प्री वर्कआउट लो, बट ये हार्मफुल है। इसके अंदर आपका शुगर एडिट इतना ज़्यादा रहता है, 11 से 12 ग्राम शुगर 100 ml ड्रिंक में रहता है, यानी 250 ml क्या, तो इसके अंदर आपका 30 से 35 ग्राम शुगर चला गया आपकी बॉडी में, 30 ग्राम शुगर चला गया। सो बेसिकली यहाँ पर मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जो आपको स्पाइक मिल रहा है वो शुगर से मिल रहा है। 72 mg 100 mg कैफीन कोई इतना तगड़ा स्पाइक नहीं देने वाला, उससे अच्छा भाई 2 रुपए कॉफी का पाउच ले लेना, वो ज़्यादा अच्छा स्पाइक कर जाएगा। उसमें थोड़ा सा वाइट सॉल्ट डाल लेना, वो ज़्यादा अच्छा पंप दे देगा रेदर देन दिस। फेमस जो ड्रिंक्स रहते हैं हम मोस्टली पोस्ट वर्कआउट में प्रोटीन में डालकर भी पी लेते हैं इनको, एंड ड्यूरिंग भी लेते हो, मैंने देखे हैं लोगों को ये ड्रिंक्स जो रहते हैं। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत बुरे हैं, कंपनीज बना रही हैं, कंपनी बेच रही है क्योंकि माल बिक रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, सबसे पहले हम बात करूँ कॉस्ट की, ये 65 से 70 रुपये या 80 रुपये तक लास्ट करते हैं, एंड नॉर्मल जो टेंडर वाटर रहता है बाहर, जो कोकोनट वाटर रहता है, वो लास्ट करेगा 50 to 40। अगर डेली कंज्यूम करोगे तो और सस्ता पड़ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं फिर से वो वाली बात बोलूँगा, कंपनी डाल रही है कुछ जिसकी मैनुफैक्चरिंग रह रही है 8 से 9 महीने की एक्सपायरी है, एंड 2-2 साल वो प्रोडक्ट चल रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसे प्रिजर्वेटिव्स एडेड होंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये हार्मफुल है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि एक बेटर ऑल्टरनेट पे जाओ तो वो ज़्यादा बेटर ऑल्टरनेट है। अब बढ़ते हैं अपनी थर्ड चीज़ की तरफ। देखो थर्ड चीज़ बहुत बेसिक चीज़ है कि पीनट बटर की क्या रेंज रहनी चाहिए। पीनट बटर बहुत फेमस है हमारा गेनिंग पर्पज़ के लिए, लीनिंग में भी खाया जाता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि लीनिंग में जब हम कीटो वगैरह फॉलो करते हैं, कीटो डाइट यानी प्रोटीन और फैट की डाइट जब हम फॉलो करते हैं, सो बेसिकली पीनट बटर और हम उसमें प्रोटीन डालते हैं अपनी डाइट में। पीनट बटर एक बहुत अच्छा सोर्स है फैट्स का, गुड फैट्स का बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन यहाँ पर आता है कि आप कौन सी कंपनी का बाय कर रहे हो। सो मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, हर कंपनी का देखो पीनट बटर अच्छा आ रहा है मार्केट में। आप यहाँ भी देखोगे तो कम से कम 10 से 12 पीनट बटर आपको हर जगह दिख जाएंगे। बात रहती है कि क्रीमी या क्रंची, तो मैं प्रेफर करूँगा आप क्रंची लो एंड चॉकलेट फ्लेवर में जाओ। कुछ कंपनीज के नाम मैं या किसी का नाम नहीं ले रहा, बट हाँ एक बार ना पीछे फैट, उनका न्यूट्रिशन फैक्ट जरूर देख लेना। थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, माई फिटनेस हो गया, मैं खुद माई फिटनेस ही लेता हूँ, मैं सच बोलूँ तो थोड़ा सा उसके अंदर मेरे को एक तो ट्रस्ट बिल्ड है एंड एक बड़ा नाम भी उसके पीछे जुड़ा हुआ है। अगर क्या बात, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ ना इनके ऊपर, तो जब मैं नोटिस करता हूँ तो देखो छोड़ दो 19 ग्राम 20 अगर 100 ग्राम के अंदर काप्स आ रहे हैं, काप्स की कोई दिक्कत नहीं, बात आ रही है शुगर की, वही 7 से 8 ग्राम शुगर आ रही है। एंड एक चीज़ और, इसको ना यार पीनट बटर को गेनिंग पर्पस में भी खा रहे हो तो ये है तो बटर ही ना, इसको ये नहीं कि एक डब्बा एक दिन में खा लिया, तो थोड़ा सा कंट्रोल क्वांटिटी में खाना है। ये नहीं कि गेनिंग कल चल रही है तो आलू के पराठे चल रहे हैं एक एक डब्बा। मैंने लिटरली देखा है कि लड़के जो है 300-400 का पीनट बटर जो है वो लेते नहीं है, क्योंकि टेस्टी है, 100-200 वाला उठा लिया और एक ही बार में पूरा डब्बा लपेट दिया। वो हैबिट गलत है, आपका मेटाबॉलिज्म और स्लो हो रहा है उस वजह से। अब बढ़ते हैं अपनी फोर्थ चीज की तरफ, जो कि हमारा प्रोटीन एक्स हो गया, या जितनी भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो सबसे मेजर रहती है हमारी। मैंने नोटिस किया है कि लोग ना जो सप्लीमेंट ब्रांड है उनका प्रोटीन ना प्रेफर करके बाहर के ब्रांड्स बोल देंगे, ठीक है ये वाले ब्रांड्स हो गए, प्रोटीन प्लस हो गया। ये मेरी मदर ने भी लिटरली एक टाइम पे कंज्यूम किया था, डॉक्टर ने कहा था प्रोटीन लेने को, अब मैं भी उस समय जिम जाता नहीं, 2015-16 की बात है, तो मेरे फादर मेडिकल शॉप पे गए और ये वाला प्रोटीन उठा के ले आए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो फेमस ब्रांड है, मैं उस ब्रांड की बात कर रहा हूँ, हाइट बढ़ाने में जो काम आता है, नाम नहीं ले रहा, मैं समझ गए होंगे आप कौन से ब्रांड की बात कर रहा हूँ।
बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हो तेरी मुंह खोलने। इट इज जस्ट अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड कार्ब्स। अब आप कहोगे कार्ब्स कार्ब्स करे जा रहे, देखो कार्ब्स चावल से भी आ सकते हैं, शकरकंदी से भी आ सकते हैं। अगर आपको अपने बच्चे को दूध में डाल के कुछ खिलाना ही है ना अच्छा, तो उससे अच्छा आप उसको स्मूदी वगैरह बना दो, उसको मिल्क के साथ हैबिट डालो कि वो या तो बनाना ले ले उसके साथ, या फिर उसके साथ कोई फ्रूट्स कंज्यूम कर ले। अगर वो दूध नहीं पी रहा है तो आप उसमें थोड़ा बहुत चॉकलेट पाउडर वगैरह डाल सकते हो, वो भी बहुत ही हल्की क्वांटिटी में। इसके अंदर 11 ग्राम तो यार शुगर आ जाती है आपकी, ठीक है 11 ग्राम शुगर कितने वो भी देखो प्रॉपर मेंशन नहीं है। इसका 15 सर्विंग्स है इसके अंदर, 33 ग्राम का चम्मच है, 33 ग्राम तो बहुत ज़्यादा हो गई, 33 ग्राम में 11 ग्राम तो आपकी शुगर शुगर आ गई। और जहाँ तक मैंने रियलिटी ड्रिंक्स देखे हैं तो 3-4 चम्मच तो डलते हैं एक डेढ़ गिलास दूध, ताकि मीठा हो जाए, जितना डाल चलोगे उतना मीठा होता चला जाएगा। तो यानी भाई चीनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने बच्चों को ये मत खिलाओ, लेकिन और ये भी नहीं कह रहा कि मेरा प्रोडक्ट ख़राब है, प्रोडक्ट ख़राब नहीं है, इससे बेटर ऑप्शन आप ढूंढने की कोशिश करो। अब इसका ऑल्टरनेट क्या, देखो सबसे पहली चीज़ तो यही रहेगा कि आप उनको बेसिकली सीधा मिल्क कंज्यूम कराओ, जो सबसे बेस्ट रहेगा। मिल्क कंज्यूम नहीं कर रहे, उसके अंदर थोड़ा बहुत चॉकलेट पाउडर ऐड कर दिया, वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में, एंड उनको दे दिया साथ में फ्रूट वगैरह डाल दिया, उसका ब्लेंड कर दिया, स्मूदी बन गई, ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए, वो दे दो, ज़्यादा बेटर है, बच्चा तगड़ा बनेगा हमारी तरह। Baby who starts young, but he prefers calisthenics. Rev it up. Now baby rep, give me baby reps right now without walking, just do bunch. और जो डाउट है वुमेन्स का भी कि भाई वुमेन्स को भी ये होता है कि भैया हम वो वाले प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं नहीं ले सकते, कंपनी ना बहुत ट्रिक्स यूज करती है प्रोटीन पाउडर के ऊपर। देखो हाँ मैं दिखा नहीं रहा, पर इन्होंने लिख दिया वुमेन्स प्लस, ठीक है। अब वुमेन्स को अट्रैक्ट करने के लिए वुमेन्स लिख दिया ताकि ये भी माल बिक जाए। दोनों का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन न्यूट्रिशन वैल्यूज तो बॉडी में सेम ही जाने वाली है ना। अगर किसी की लड़की का 70 किलो वजन है, अगर उसे भी मसल गेन करनी तो वो भी 100 से 110 ग्राम प्रोटीन लेगी लेगी। तो ये नहीं, कोई स्पेशलाइज प्रोटीन नहीं होता उसके लिए कि लड़कों का प्रोटीन अलग है लड़कियों का प्रोटीन अलग है। हाँ अब मैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज़ करूँ तो वो कंपनीज आज भी, वो सप्लीमेंट कंपनी भी आज भी यूज़ करती है कि वुमेंस तो लगाती लगाती है, लेकिन थोड़ा सा हमें अपना माइंड भी यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि वुमेंस वाला हल्का सा महंगा हो जाता है। वो क्या बोल देते हैं कि इसके अंदर कार्ब्स और फैट परसेंटेज बहुत कम है। मेरी बहनों अगर आप नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल में जी रहे हो, आपको स्टेज पे नहीं जाना ना, आप रोटी भी खा रहे हो आप चावल भी खा रहे हो, अगर 2-4 ग्राम का आप फालतू चलेगा तो क्या हो गया। यही तो ट्रिक्स हैं, यही तो आइसोलेट और वे प्रोटीन में, फिर वो यही तक तो चूना मिट्टी कहते हैं उनको कि जो डब्बे आते हैं वो चुरी, ये डब्बे नहीं है, वो डब्बे हैं, ये डब्बे नहीं है, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं। अब मैं एक ग्रेट एग्जांपल दिखाता हूँ, इस पर लिखा है जीरो एडिड शुगर, ठीक है। अब पीछे पलट लेते हैं, इसके अंदर जीरो एडिड शुगर तो दिखा दिया उन्होंने, टोटल शुगर इसके अंदर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसके पीछे लिखा दिखा दिया कि टोटल शुगर जो है वो 15 ग्राम है, आपने फिर यहाँ कैसे लिख दिया कि जीरो एडिड शुगर है इसके अंदर, पीछे आपने लिख दिया कि इसकी पर 100 ग्राम में और 15 ग्राम शुगर है, ये क्या क्या, पीछे तो इतना से लिख दिया दिखेगा भी नहीं, आगे लिख दिया फटाफट जीरो ग्राम शुगर, बंदे ने ले लिया घर जाके पता लगा हमारा तो कट गया। समझ रहे हो क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए, इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। अब लास्ट चीज आती है हमारी चना सत्तू पाउडर, जो बहुत ज्यादा वाइब चल रही है मार्केट में। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि ये खराब है, लेकिन ये एक अच्छा सोर्स है एनर्जी प्रोवाइड करने का, ये रिप्लेसमेंट वे प्रोटीन की नहीं है। अब क्यों नहीं है बहुत इजिली स्पष्ट भाषा में बताऊंगा, ये वे प्रोटीन रहा, इसकी 100 ग्राम में आपको 80 से 90 ग्राम प्रोटीन मिलेगा और इसके 100 ग्राम में आपको मिलेगा 40 ग्राम प्रोटीन, 38 तो लिखा है, एब्जॉर्प्शन वैल्यू क्या है 30 लगा लो। मैं इसकी अगर बोल रहा हूँ 80 ग्राम प्रोटीन तो चलो 60 लगा के चल लो और गिरा दो, चलो इसको 60 कर लो, 60 और 30 यहीं पे आप डबल खा गए पहले तो। दूसरी बात, अगर 100 ग्राम प्रोटीन की बात करूं तो अगर गेनिंग वाले जो प्रोटीन होते हैं सिंथेसिक्स वगैरह, उनमें भी लास्ट टू लास्ट 5 से 10 ग्राम कार्ब्स होते हैं पर स्कूप, जो 25 से 30 ग्राम की होती है, लास्ट टू लास्ट उसके अंदर 20 से 25 ग्राम कार्ब्स आएंगे 100 ग्राम की चम्मच में। जो वे प्रोटीन है जो नॉर्मल आ रहे हैं मार्केट में, उनमें 1 से 2 या 3 या लास्ट टू लास्ट 4 ग्राम होता है, यानी 15 ग्राम कार्ब्स आपके 100 में। यहाँ 100 ग्राम सत्तू में आपके पहुंच गए इसके अंदर 30 ग्राम कार्ब्स। वे प्रोटीन के अंदर फैट परसेंटेज आपका 1 या 2 रहता है पर प्रति ग्राम 25 ग्राम, तो 100 ग्राम में फैट कितना गया लास्ट टू लास्ट 10 ग्राम। मैं खींच के बता रहा हूँ, ये मीटर दबा के खींच दिया मैंने, 4 या 5 ग्राम बने, मैं तब भी 10 बोल रहा हूँ कि चलो राउंड ऑफ ले लेते हैं। अब इसके अंदर चला गया 22 ग्राम फैट। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये खराब चीज़ है, ये आप बिल्कुल कंज्यूम कर सकते हैं यार, एंड इसको स्ट्रेटजी बनाकर यूज़ करना कि मिडिल क्लास फैमिलीज हैं तो ये बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगी। देखो
इसको खाओ, मैं यही बोल रहा हूँ हेल्दी लाइफस्टाइल आपको जीना, वे प्रोटीन भी लेना, आप ये यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप फिर अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उन लोगों जैसा शरीर आपका बहुत जल्दी बन जाए, तो वहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। मैं दोबारा एक बात बोलता हूँ, किसी को नहीं पता कोई घर में क्या कर रहा है, ठीक है। मैं इसको खरीद के ले जाऊँगा आपको दिखाने के लिए, और फिर घर जाकर इसको किसी और को दे दूंगा कि ये लो, खरीद के भी ना लेके जाऊँ, वीडियो बना ली बस मैंने, और मैंने फिर दिखा दिया कि हाँ मैंने सत्तू ले लिया, सत्तू बनाकर भी दिखा दिया मैंने। सत्तू जिन बंदों की मैं बात कर रहा हूँ ना, मैंने उनको आज तक नहीं देखा पीते हुए, सच बोलूँ तो, कि उन्होंने पी के दिखाया। वो शेकर में दिखा देंगे कि हमने पी लिया, उन्होंने शेक तक बना के दिखा दिया, मैंने भाई आपको पीते हुए तो नहीं देखा। मैं गलत फिर भी नहीं बोल रहा, बट इसको एक अच्छा कार्ब्स का सोर्स बोलो, इसको प्रोटीन रिच बोल सकते हैं, इसको प्रोटीन वो नहीं बोल सकते ड्रिंक, ठीक है यार। उसके अंदर है ही जब 38 ग्राम प्रोटीन कंपनी दिखा रही है, अब बाइक भी होती है उसकी एवरेज कंपनी 50 की बोलती, देती 30 है ना, वैसे एब्जॉर्प्शन रेट इसका क्या रहेगा, उसमें एंजाइम्स भी डाल, वे प्रोटीन छोड़ दो, चलो इसकी बात कर लेते हैं। 100 ग्राम का मतलब भाई कम से कम 4 चम्मच ना पी के देख लेना, बाथरूम से बाहर नहीं निकलोगे। मैंने पिया है लिटरली, एंड सच्ची में भाई सुबह ना वॉशरूम नहीं जाता था जल्दी से, ठीक है, मैं आधा घंटा बैठा हूँ बाथरूम में, दिल पे हाथ रख के बता रहा हूँ सच्ची में। एंड देखो यहाँ पे अब बात आती है कुछ मसालों की, कि नमक लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये लास्ट मैं कंक्लूड कर देता हूँ। सिर्फ एक छोटी सी बात बोलूँगा, हम लोग सिर्फ और सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम लोग आपको वो गाइड कर रहे हैं कि डाइटिशियंस आपको लिख के दे देते हैं ना कि ये चीज़ें कंज्यूम करनी है। वो मॉन्स्टर ड्रिंक वगैरह क्यों लिख के देते हैं आपको, ताकि आपके डाइट प्लान में कुछ फैंसी लगे, ठीक है। अगर वो लिख देंगे कि हाँ ठीक है कॉफ़ी ले लेना, फिर तो आप कहोगे यार इसने 25-30 हज़ार रुपये ले लिया, इसमें कॉफ़ी लिख दी तो मुझे मालूम था, मॉन्स्टर ड्रिंक कॉस्टिंग मुझे नहीं मालूम थी, वो बता दी भाई ने, तो भाई मेरा ट्रेनर तो भाई साहब गजब का काम कर दिया उसने। ये चीप स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं ताकि आप उनसे अट्रैक्ट हो जाओ। बेसिक अगर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल जीना, आपको अगर 10 बंदों से अलग दिखना है ना, टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, डाइट अच्छी लो, न्यूट्रिशन जितना अच्छा लोगे, डाइट जितनी अच्छी फॉलो करोगे, उतना धीरे धीरे आगे ग्रो करोगे। अगर लंबी गेम खेलनी है ना, मतलब लंबा चलना है बॉडी बिल्डिंग के अंदर, तो थोड़ा सा माइंड यूज़ करना पड़ता है, थोड़ा सा स्ट्रैटेजी यूज़ करनी पड़ती है। मैं खुद जब प्रेप पे होता हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा ये सोच के चलता हूँ कि जितना हो सके अपना बजट बचा के चलूँ। एंड हम सारे देखो जानते हैं कि हम सारे मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो जितना हम कॉस्ट एफिशिएंट जाएंगे। अब कहोगे मैं कॉस्ट एफिशिएंट की बात कर रहा हूँ, तो भाई सत्तू पाउडर आई थिंक कितने ग्राम का आता है सत्तू पाउडर, ये 90 रुपये का है शायद, 90 रुपये का, ये आपका आधी किलो है 90 रुपये का। और वहीं प्रोटीन अगर मैं जाऊँ तो 700 से 800 रुपये के किलो, आधी किलो भाई, माना कि ये उससे तो शायद 10 गुना कम पे मिल जाएगा आपको। ये 1 किलो 200 रुपये का है, वो 1 किलो 2000 रुपये का, 10 गुना फ़र्क है। लेकिन 10 गुना फ़र्क फिर चीज़ों में भी है, तो ये मत बोलो कि ये प्रोटीन है इसको रिप्लेसमेंट। बात रही मसालों की, कि मसाले कंज्यूम करने चाहिए नहीं करने चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आप कोई भी मसाला कंज्यूम कर सकते हो, सॉल्ट छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जब जिम में एंटर करते हैं, हमको सबसे पहले बोल देते हैं सॉल्ट छोड़ दो, सॉल्ट छोड़ दो, बॉडी पानी छोड़ देगी। देखो वो प्रेप फेजेस के लिए, वो बॉडी बिल्डर्स के लिए है, हमें नॉर्मल वर्कआउट करना है, हमें खुद को कॉन्फिडेंट फील कराना है वर्कआउट करके। ये नहीं करना कि हमारा, देखो सबसे पहले दिल खुश रहेगा ना, फिर आप अच्छे से जिम कर पाओगे। दिल ही खुश नहीं है, आप खाए जा रहे हो उबला उबला खाना, बिना नमक का खाए जा रहे हो, और चलो ये जो डाइट है ना उबला वाला, ये मेन डाइट प्रेप बंदों के लिए, बॉडी बिल्डर्स के लिए, प्रोस के लिए, हमें नॉर्मल लाइफ में जीना है यार। आप मसाले कंज्यूम कर सकते हो। तो यहीं पर आज का वीडियो खत्म करते हैं, एंड इसका हम लोग मोस्ट प्रोबेबली एक पार्ट और निकालेंगे, पार्ट 3, जिसमें हम दोबारा से डिस्कस करेंगे कि जिम रिलेटेड भी हो गई और नॉर्मल चीज़ें भी हो गई, बहुत अवेटेड हैं जो अभी 2-3 और, उनको भी हम कवर करेंगे। बने रहे चौधरी फिटनेस के चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए।